हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। क्लास टेंथ फिजिक्स में चैप्टर 3 लेंस में आज का टॉपिक है लेंसों द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। अब लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी 6 कंडीशन होती है। वस्तु कहाँ रखी जाती है उसकी 6 कंडीशन होती हैं। चलिए हम आज इसको बताते हैं आपको, डायग्राम की हेल्प से पहले समझेंगे। ये मैंने यहाँ पर उत्तल लेंस बनाया है, ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला, और इसका ये प्रकाशिक केंद्र है और ये मुख्य अक्ष रेखा, ठीक है। अब ये वक्रता केंद्र, सॉरी, प्रकाशिक केंद्र से ये प्रथम फोकस हम इसे एफ से डिनोट करते हैं और द्वितीय फोकस ये एफ और प्रथम फोकस को एफ डैश से, और ये यहाँ से ही प्रथम फोकस से जितनी दुगनी दूरी पर ये वक्रता केंद्र होता है इसे हम नेम 2F डैश दे देते हैं। और यहाँ पर द्वितीय फोकस क्या होगा, द्वितीय फोकस F है और इसे भी यहाँ पर 2F। ये देखो, इसमें हमें तीन कंडीशन याद रखनी है, प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस और ये 2F डैश, और यहाँ पर ये द्वितीय फोकस F और ये 2F। अब वस्तु जो रखते हैं उसकी कंडीशन हम समझते हैं। पहली कंडीशन ये, यहाँ पर हम वस्तु रखते हैं अनंत पर, ये हमने अनंत पर वस्तु रख दी। अनंत पर वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेंगे। इस साइड हम वस्तु रखेंगे और प्रतिबिंब इस साइड बनेंगे, ठीक है, दूसरी साइड। और कहाँ पर बनेगा, अनंत पर वस्तु रखी हमने तो प्रतिबिंब फोकस तल में बनेगा, यानी ये द्वितीय फोकस तल पर बनेगा, ठीक है। यहाँ हमने वस्तु रखी, प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तल में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। ऐसे मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, द्वितीय फोकस तल में यहाँ पर बनेगा, बस वास्तविक बनेगा, ये वास्तविक वस्तु से कैसा बन रहा है, बहुत छोटा और उल्टा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है आपकी, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। दूसरी, अनंत तथा 2F डैश के बीच वस्तु रखी है, यानी यहाँ पर अनंत तथा 2F के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर ही, एफ तथा 2F के बीच, यानी यहाँ पर। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा। देखो वस्तु इतनी बड़ी है आपकी, वस्तु से कैसे बनेगा, छोटा और वास्तविक उल्टा और लेंस के दूसरी ओर। यह इधर साइड वस्तु रखी होंगी और इधर साइड प्रतिबिंब बनेंगे। अब तीसरी कंडीशन बताते हैं, वस्तु कहाँ रखी है, 2F पर, 2F पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब इसके बाद इसका नंबर आया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F पर ही। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। लेंस के दूसरी ओर, वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा। अब वस्तु कहाँ रखी है, चौथी कंडीशन में, 2F तथा प्रथम फोकस के बीच, यानी यहाँ पर ये कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, लेंस के दूसरी ओर बनेगा। अब कहाँ कहाँ बनेगा आपका, देखो 2F के बाद क्या आया, ये अनंत, 2F और अनंत के बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, 2F और अनंत के बीच में। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। अब यहाँ पर इतना हो गया अनंत के बीच, अब वस्तु कहाँ रखी है, प्रथम फोकस पर, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अब इधर क्या बचा आपका, अनंत, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा ही, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा।
अब आपका सिक्स कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु कहाँ रखी है, प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, यानी प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच यहाँ पर रखी है आपकी वस्तु ये, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु की ही ओर बनेगा, यहाँ पर वस्तु की ओर बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा यहाँ पे बनेगा, इधर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ इधर अनंत हो गया आपको क्लियर। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, अनंत पर आभासी उस वस्तु से बड़ा और सीधा। अब मैं एक बार आपको और बताती हूँ जब वस्तु कहाँ कहाँ रखी है, एक बार और बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। दूसरी, वस्तु अनंत तथा 2f' के बीच, यानी ये वाली। और तीसरी कंडीशन, जब वस्तु 2f पर रखी है। चौथी कंडीशन, जब वस्तु 2f' तथा प्रथम फोकस के बीच रखी है, ये वाली। और पांचवी कंडीशन, जब वस्तु प्रथम फोकस के बीच रखी है। छठी कंडीशन आपकी है, जब वस्तु प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच रखी है। अब जो पांच कंडीशन है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर। जो पांच कंडीशन है वहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर ही बनेगा। तथा छठी कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा वो उसी ओर बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, छठी कंडीशन वाला, वस्तु की ओर ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और अनंत पर बनेगा, वस्तु से काफ़ी बड़ा। ठीक है, पांचवी कंडीशन में जैसे एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ वस्तु रखी है मैंने अनंत, थोड़ी बड़ी रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत तथा 2f के बीच, वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा, वास्तविक उल्टा। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु 2f पर रखी है तो वस्तु के बराबर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा। अब आपकी चौथी कंडीशन, जब वस्तु 2f' तथा प्रथम फोकस के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा। और जब वस्तु आपकी रखी है प्रथम फोकस तल पर तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा और वास्तविक वस्तु से काफ़ी बड़ा, उल्टा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, अभी इसकी कोई कंडीशन आप नहीं भूलोगे। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ पूरा कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लिखवा देती हूँ जिससे आप भूलेंगे नहीं। बच्चों एक बात और मैं बता देती हूँ, जब तक आपने लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को, वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तब तक ये आपके समझ में थोड़े कम आएंगे। पहले आप लोग सब उस वीडियोज को देखें, तब इस वीडियो पर आए। ठीक है, उस वीडियो को देख लोगे तो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर, तो ये OO' वस्तु अनंत पर रख दी है मैंने। ठीक है, अब इस पर क्या है, मैंने नियम में भी बताया था आपकी, दो प्रकाश की किरण, सारे जो फिगर हैं इसमें दो ही प्रकाश की किरण जाएंगी। ठीक है, एक उससे जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, और प्रथम फोकस से होकर जाने के बाद एक अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इसमें देखो मैं पहली किरण आपने डाली है, प्रथम प्रकाश की किरण डाली है, प्रथम फोकस से होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ये निकल गई। OO' वस्तु रखी है, ये मुख्य अक्ष रेखा है। ठीक है, और ये प्रथम फोकस, और ये वक्रता केंद्र, प्रथम फोकस से दूनी दूरी पर वक्रता केंद्र होता है जिसे नाम हमने दे दिया है 2f', और ये द्वितीय फोकस f। अब इसमें जब वस्तु अनंत पर रखी है तो ये एक किरण आपकी वक्रता केंद्र से होकर गई, और दूसरी किरण प्रथम फोकस से होकर जाने के बाद अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों किरणें जहाँ काटती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं हमारा प्रतिबिंब बनता है। II' ये फोकस तल में प्रतिबिंब बन गया, द्वितीय फोकस तल में। और कैसा बना है, वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा। अब मैं आपको एक मैं बता देती हूँ कि इसकी, अभी हमने फिगर तो बना लिया लेकिन इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे हम, इसमें मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है। एक मैं बता दूंगी, आप लोग जो नेक्स्ट हैं उनमें आप खुद लिख सकते हो अपने आप से। चलिए मैं बता देती हूँ इसमें। माना कि वस्तु OO' किस पर रखी है, अनंत पर रखी है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। OO' कहाँ रखी है,
अनंत पर है और जो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित है। एक बार और बताती हूँ, मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, ओ डैश वस्तु रखी है, ठीक है। अब वस्तु के ऊपरी बिंदु यानी जे ओ डैश से चलने वाली दो किरणें लेते हैं, ठीक है, एक ये वाली किरण, एक ये वाली किरण। ये किरणें क्या करती हैं, पहली हम किरण लेते हैं, ये प्रथम फोकस से होकर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाने के बाद अपने मार्ग से मतलब विचलित नहीं होती है, सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें जहां पर काटती हैं वहां आई आई डैश प्रतिबिंब बनता है। बस ओ ओ डैश का प्रतिबिंब क्या है, आई आई डैश लेंस के दूसरी ओर फोकस द्वितीय फोकस तल पर बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसकी लैंग्वेज अपनी भाषा में, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बता देते हैं वस्तु की स्थिति क्या है। वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु अनंत पर रखी है। क्या स्थिति इसकी, अनंत। वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु अनंत पर रखी है, ये इसकी स्थिति है, अनंत पर, वस्तु अनंत पर। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल में। दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल में, अच्छा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार क्या है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। देखो वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से बहुत छोटा। अब दूसरा देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत तथा 2f के बीच। अब यहाँ पर देखो ये अनंत है और ये 2f डैश, तो वस्तु कहाँ रखी है, अनंत तथा 2f डैश के बीच ये रखी है वस्तु ओ डैश, ठीक है। इससे दो किरणें निकलेंगी, मैंने बोला ही था पहले, जितने भी हम फिगर बनाएंगे उन दोनों में ही, सॉरी जितने फिगर बनाएंगे उनमें दो किरणें निकलेंगी। एक किरण क्या आई है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर होकर, ये देखो मुख्य अक्ष है, इसके ये समांतर होकर द्वितीय फोकस तल से होकर गुजर जाती है, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो जो दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, लेंस के दूसरी ओर मिल रही हैं, और किस किस के बीच बन मिली हैं आकर, यानी द्वितीय फोकस एफ तथा 2f के बीच। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। अब वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत तथा 2f के बीच, अनंत टू एफ डैश के बीच। और स्थिति क्या है, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, लेंस के दूसरी ओर f तथा 2f के बीच, टू एफ के बीच। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा है, कैसी है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा। चलिए अब थ्री कंडीशन देखते हैं, वस्तु कहाँ रखी है थ्री कंडीशन पर।
जब वस्तु 2f डैश पर हो, यानी देखो ये वस्तु रखी है 2f डैश पर, इस पर ये देखो प्रकाश की किरण है, लेंस मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस से अपवर्तन के पश्चात किससे होकर गुजरी, द्वितीय फोकस तल से, उसके बाद दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो दोनों किरणें कहाँ मिली हैं आकर, 2f पर, तो लेंस की दूसरी ओर 2f पर मिली, आई आई डैश वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब है। तो वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, 2f डैश पर रखी है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर 2f पर। और 2f पर, और प्रतिबिंब की प्रकृति आकर कैसा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं, जब वस्तु कहाँ रखी है, नेक्स्ट कंडीशन को, जब वस्तु 2f डैश तथा f डैश के बीच हो, इस कंडीशन को समझते हैं। देखो वस्तु कहाँ रखी है, 2f डैश तथा प्रथम फोकस f डैश के बीच, ये रखी वस्तु, इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर प्रथम द्वितीय फोकस तल से होकर गुजर जाती है, और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये देखो 2f डैश तथा अनंत के बीच में, और कैसा बनना है, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। अब वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, 2f डैश तथा f डैश के बीच, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर। लेंस के दूसरी ओर 2f व अनंत के बीच, देखो ये 2f तथा अनंत के बीच। कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। देखो वस्तु यहां पर रखी है, ये छोटी है, और प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कंडीशन इसकी, जब वस्तु प्रथम फोकस F पर हो। अब देखो वस्तु कहाँ रखी है, प्रथम फोकस F पर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर प्रथम फोकस से, सॉरी द्वितीय फोकस तल से गुजर जाती है, और दूसरी किरण बिना विचलित हुए वक्रता केंद्र से सीधी निकल जाती है। अब वस्तु की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ रखा है, F डैश यानी प्रथम फोकस तल पर, प्रथम फोकस पर रखी है, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस की दूसरी ओर, कहाँ, कहीं मिल ही नहीं रहा है, जाके अनंत से बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये आगे जाकर कहीं मिलेगा, अनंत पर जाकर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, लेंस के दूसरी ओर, कहाँ, अनंत पर। प्रकृति एवं आकार क्या है इसका, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, बनेगा ही कहीं ना कहीं जाकर अनंत पर, तो वास्तविक उल्टा, यहाँ देखो वस्तु काफी छोटी है, तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा। अब नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं, सिक्स कंडीशन, जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो। वस्तु देखो फोकस यानी प्रथम फोकस एफ डैश और तथा लेंस के बीच में रखी है, ये मुख्य समांतर में प्रथम फोकस से होकर गुजर जाती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेकिन इस किरण को हम आगे बढ़ाते हैं तो वे लेंस की, सॉरी वस्तु की ओर ही ये आभासी रूप में प्रतीत होती है, मिल जाती है ये, और प्रतिबिंब हमारा ये कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। अब वस्तु की स्थिति क्या है, कहाँ रखी है वस्तु,
प्रथम फोकस यानी एपडेस तथा लेंस के बीच। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु की ओर ही, की ही ओर। कैसा बन रहा है देखो, आभासी। सीधा बन रहा है देखो, ये सीधा और वस्तु से बड़ा। आई हूँ बच्चों, ये समझ में आ गया। लेकिन मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन जो फिगर हैं इन्हें आप 2-3 बार कम से कम बनाकर देखना, जिससे आप भूलोगे नहीं और अच्छे से समझ में आएंगे। जब तक आप 2-3 बार इनका रिवाइज नहीं करोगे तो ये भूलने की काफ़ी स्थिति रहती है कि बच्चे भूल जाते हैं। इनको बना बना कर देखना है और तभी आप लोग एग्जाम में भूलोगे नहीं और अच्छे से कर पाओगे। कम से कम 2-3 बार तो बनाना ही है और बना के देखना जरूर। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये मुख्य अक्ष है, ये मैंने अवतल लेंस लिया है यहाँ पर, ये बीच में देखो पतला है तथा किनारों पर मोटा है। और अवतल लेंस में जो है वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए, यानी वस्तु कहीं पर भी रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। लेंस तथा फोकस के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा। वस्तु देखो मैंने ये यहाँ पर रखी है, ये इसका प्रथम फोकस है और ये द्वितीय फोकस। इधर प्रथम फोकस हो गया और ये द्वितीय फोकस। वस्तु मैंने रखी है 2F तथा प्रथम फोकस के बीच में, ये रखी है वस्तु। इसमें देखो ये इकरा डाली है अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात ये निकल जाती है, बाकी आभासी रूप में ये प्रतीत होती है प्रथम फोकस पर कि ये आ रही है वापस। दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से प्रकाशित केंद्र से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अभी आभासी रूप में प्रतीत हो रही है और दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब भी देखो आभासी रूप में बन रहा है, ये डेड डेड डेस देखो, ये किरण भी आभासी रूप में ही आई है, जैसे आती हुई प्रतीत हो रही है प्रथम फोकस की ओर। और दूसरी किरण तो प्रकाशित केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो वस्तु की स्थिति यानी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए अवतल लेंस में, वस्तु कहीं पर भी रखी हो, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये लेंस तथा फोकस के बीच। फोकस के बीच कैसा बनेगा, आभासी, ये आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा जो, यहीं पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है। बच्चों वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी किया करें और दोस्तों को शेयर किया करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी आप दबाया करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।